अगली खबर है छतरपुर से। दरअसल छतरपुर में छात्र छात्राओं को घंटों स्कूल खुलने का इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन छतरपुर जिले के ब्रिजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। मामले की पड़ताल करने जब मीडिया की टीम इस विद्यालय पहुंची तब समय था 10:30 बजे, लेकिन शाला खुलने का समय भी शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं थे। केवल वहां पदस्थ चपरासी पहुंचा था और शाला का ताला खोला गया। छात्रों ने बताया कि टीचर 11 बजे के पहले स्कूल ही नहीं आते। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य के तिवारी ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण शिक्षक देरी से स्कूल आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप तो 4-व्हीलर कार से स्कूल आते हैं तो आपको क्यों देरी हुई, तो उन्होंने कहा वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए उस वक्त। दरअसल प्राचार्य के तिवारी स्वयं निजी बीएड कॉलेज संचालित करते हैं, इसलिए संस्था में देरी से आ जाते हैं। वहीं पूरे मामले में DPCRP लखेरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि स्कूल समय पर संचालित नहीं हो रहा है तो आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिले के ईमानदार कलेक्टर संदीप जी आर उपरोक्त गंभीर मामले में क्या एक्शन लेते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। 6 मास्टर 5 मैम 11 जने हैं और 11 के पहले आउट नहीं है। 11 प्रिंसिपल साहब और लेट आउट हुई। प्रिंसिपल साहब 12 बजे आपको है। प्रिंसिपल नाम बताए। प्रिंसिपल जो मिडिल कै बजे खुला वही खुलता है 10:30 वो हाई सेकेंडरी है। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा आप लोग? प्रिंसिपल का नाम नहीं है पता? नहीं तो बेटा वो वाले स्कूल खुलता है, इसमें नई बिल्डिंग है, इधर बैठते क्यों? आपको यहाँ बैग रख। नमस्कार सर। बस बढ़िया है, बस आए थे, थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब से काम था। अच्छा। आ गए क्या प्रिंसिपल साहब? बैठो बैठ। तिवारी जी है ना? टीचर तो आए नहीं। टीचर छुट्टियों में हैं। तो एक ही टीचर पढ़ाया जाए क्या 230 विद्यार्थियों को? 350 भाई 12 टीचर पदस्थ में, 12 थोड़ी छुट्टी पे होंगे। जितने भी हैं 14 हैं टोटल, कुछ मेडिकल पे है, कुछ छुट्टी पे है, एक ट्रेमेंट करने गए हैं। तो भाई कहाँ तक सरकारी चलता है जो है ना। चलो बात कर ले रहे। जी बच्चा, आपके विद्यालय में आज मीडिया टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें आपके विद्यालय में टीचर क्रमशः एक मैडम टैक्सी से आती हैं 10:53 पे, मोटरसाइकिल से एक शिक्षक आते हैं 11:10 पे, आपका स्वयं वाहन आता है 11:25 पे, इसके बाद 4-व्हीलर से 2 मैडम आती हैं 11:40 पे, तो एक लास्ट में टीचर आते हैं 11:45 पे। तो विद्यालय खुलने का समय क्या है और क्यों लेट आ रहे हैं? एक्चुअल में विद्यालय खुलने का समय 10:30 का है और जनरली सभी लोग 10:30 पे ही आते हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि कोई लोग लेट आए हैं, तो आज क्योंकि एक अचानक पानी बरस रहा था तो ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से आने वाले हैं, बीच में हो सकता है व्यवधान थोड़ा सा आया हो, इस वजह से लेट हुए हैं। ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि आपके यहाँ 12 से 14 टीचर पदस्थ हैं लेकिन प्रॉपर टीचर नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं, ये शिकायत बिल्कुल निराधार है जी, और सब टीचर प्रॉपरली आ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई हो रही है जी, आप लोग स्वयं देख रहे हैं सब बच्चे यथावत पढ़ रहे हैं। आज कितने टीचर आए? आज है जो हमारे यहाँ वैसे तो 12 टीचर हैं और उसमें से 4 लोग छुट्टी पर हैं। आए कितने लोग? 8 टीचर आए उपस्थित हैं। सर अतिथि शिक्षक भी अपने यहाँ? अतिथि शिक्षक हमारे यहाँ एक भी नहीं है क्योंकि 12 शिक्षक ऑलरेडी हमारे पास हैं और वो हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षण व्यवस्था से प्रभावित नहीं होती है। जो 4 शिक्षक छुट्टी पे हैं किस कारण है? 4 शिक्षक, एक तो देखो पितृपक्ष चल रहा है तो कुछ लोगों के यहाँ तो श्राद्ध है, और एक टीचर हमारी ऑलरेडी करीब 15 दिन से मेडिकल छुट्टी पर है। कौन से टीचर हैं? RP पटेल साहब है जी, उनकी वाइफ की स्वास्थ्य खराब है तो वो बाहर गए हैं। 3 लोगों के यहाँ श्राद्ध है? हाँ 3 लोगों के साथ। किन के?
ये आज एक हमारे यहाँ राम मिलन शिक्षक हैं, उनके यहाँ भी श्राद्ध है, और एक वीणा सक्सेना मैडम हैं, उनके यहाँ भी श्राद्ध है, और एक है जो दूसरी आशा भारती हैं, तो वो अभी जस्ट आगे भी गई हैं। एक अभी एक शिक्षक और बचा, वो तो गिनती है आने में जो चार हाँ, हाँ। एक कौन बचे? एक शिक्षक हमारे यहाँ और अवकाश पर है। कौन तो क्यों विद्या मैडम कौन सी छुट्टी पर है? एक और मैडम तो चलिए लगातार मतलब यदि ये स्थिति है तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है, और विकास खंड शिक्षा अधिकारी से कहा जाएगा कि वो इस संस्था का लगातार निरीक्षण करें और प्राचार्य से बात की जाएगी। समय का ध्यान रखा जाए और हर हाल में 10:30 बजे विद्यालय खुल जाना चाहिए और 11 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। पूरा इसका प्रयास किया जाए और कंटिन्यू जब हम उसका निरीक्षण करवाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, और कल से ही हम इस पर ध्यान देते हैं और निरीक्षण के लिए लोगों को देते हैं और सुनिश्चित करेंगे कि 10:30 बजे न केवल एक विद्यालय बल्कि सारे विद्यालय 10:30 बजे हटा। अच्छा, वहाँ जो अध्ययनरत छात्र हैं वो आप बाहर खेलते मिले जब हम लोग वहाँ पहुँचे, उनसे पूछा गया तो उनका तो यही कहना था कि लगातार 11 बजे के बाद ही शाला खुलती है, तो इस तरीके से ये शिकायतें लगातार आ रही थी, तो हम लोगों ने औचक निरीक्षण वहाँ मीडिया की टीम ने किया। और सर, टीचरों के आने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं, टाइम टेबल हमारे ओर से शासन की ओर से तय है। आपने बताया ना कि ये स्थिति है, तो हम कल से ही इस पर ध्यान देंगे और जो भी हमारे निरीक्षणकर्ता हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं या हमारे दूसरे निरीक्षणकर्ता हैं उन सबको हम इस संस्था का रेगुलरली कुछ दिनों करवाएंगे ताकि ये दुरुस्त हो जाए, समय पे खुले, और न केवल जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक विद्यालय, सभी विद्यालयों में हमारा दायित्व है कि वो समय पर खुलें। इसके लिए हमने एक विस्तृत मॉनिटरिंग प्लान कलेक्टर महोदय के सिग्नेचर से जारी करवाया है, यद्यपि वो प्लान हमारा अभी पहले से 8वीं तक के लिए प्रभावशील है और उसके निरीक्षणकर्ता भी लागू है, परंतु ऐसा ही हम एक प्लान जो है हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए भी लागू करवाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी जो भी जिम्मेवार निरीक्षणकर्ता हैं वो नियमित रूप से संस्थाओं का निरीक्षण करें ताकि इस तरह की किसी भी संगतियाँ हमारे सामने न आए। धन्यवाद।